दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस इंडिया और मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के परौर गांव में और यहाँ पर भाजपा के जिला अध्यक्ष हरिप्रकाश वर्मा जी, साथ में मौजूद है मंत्री जी सुरेंद्र नाथ जी, उत्तर प्रदेश के जाने माने चेहरे हैं ये लोग। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के इस गाँव में बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं बात एनआरसी पे नहीं करूंगा, मैं बात सीए पे नहीं करूंगा, मैं बात एनपीआर पे नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर बातें बहुत सारे चैनल करते हैं। मैं बात करूंगा इस गांव की, क्योंकि ये गांव जो है पिछले आजादी से इतने साल हो गए हैं हमारे देश को, लेकिन आज हमारा जो गांव है, जो परौरी गांव है, शाहजहांपुर के अंदर आता है ये। पिछले दो दिन से मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, किसानों के साथ मैं रात में मिला हूँ, मैं स्कूल भी गया, मैं हॉस्पिटल भी गया, लेकिन मैंने जो पाया वो जर्जर हालत थी। और नेताजी भी मेरे साथ मौजूद हैं, आज उनसे पूछते हैं कि ये परौर गांव क्यों महरूम रहा है उन तमाम सुविधाओं से। यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर थाना भी है, यहाँ पर स्कूल भी है, लेकिन चलता नहीं है। पूछते हैं आज क्या कहेंगे नेताजी, इस गाँव में हॉस्पिटल भी है, बुरी हालत में है, टूटा हुआ है, स्टाफ है नहीं, वहां पर सफाई कर्मी है वही डॉक्टर बने हुए हैं, क्या कहेंगे इसके लिए, क्यों ऐसा हो रहा है इन गांव के तमाम लोगों के पास, 5 से 6 हजार की आबादी का ये गांव है, ऐसे हालात क्यों हैं? केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई, उससे पहले अटल बिहारी जी की भी सरकार रही है केंद्र में, ऐसा नहीं, 2014 में सरकार आई हमारी जी, और उत्तर प्रदेश में 2017 में हमारी सरकार आई। हमारी सरकार आने के बाद जी, हमारी सरकार के एक एक मंत्री जी लगातार गांव में जाके रात्रि प्रवास कर रहे हैं जी, लोगों के बीच में जा रहे हैं, पार्टी के सभी नेता जी, चाहे कि जिले के अध्यक्ष हों, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हों, चाहे वो दर्जे के राज्य मंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हों, सभी गाँव में जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की अवधारणा पर काम कर। सवाल मेरा वही है कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की अवधारणा पर काम करती है। अंत्योदय की अवधारणा का जो स्वरूप है जी, मैं पहले आपको वो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अंत्योदय की अवधारणा, गांव, गरीब, खेत खलिहान में काम करने वाला मजदूर, उसका बेटा स्वस्थ हो, उसका बच्चा पढ़े, बच्चा कुपोषण से दूर हो, इस विचारधारा पर ही हम काम करते हैं। ये हमारी मूलभूत विचारधारा है, यहाँ पर इसमें कोई किसी तरीके का संशय नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपने परौर के अस्पताल की बात की है कि वहां पर स्टाफ नहीं है, इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है कि कितना स्टाफ है कि नहीं है। अगर वहां पर स्टाफ नहीं है तो सीएमओ से बात की जाएगी, वहां स्टाफ पहुंचाया जाएगा। लेकिन आपने जो सबसे पहले कहा था, 31 साल की आपकी उम्र हो गई है, आपने बचपन से लगातार देखा है, तो इसके लिए दोषी वो सरकारें हैं, जिन सरकारों को जो सरकारें लोगों को गुमराह करके। 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट है सर, दो मैं वहीं पे आ रहा हूँ, लगातार देश की जनता को गुमराह करके वोट लेते रहे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जनपद शाहजहांपुर के तहसील पुवाई का रहने वाला हूँ, मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के बनस्थली इंटर कॉलेज से की है और उच्चतर माध्यमिक की शिक्षा पुवाई इंटर कॉलेज से की है। पुवाया तहसील जनपद शाहजहांपुर की सबसे संपन्न तहसील कही जाती है, और आजादी के बाद केंद्र से लेकर राज्य तक कांग्रेस सरकारों को डंका रहा, पूरी तहसील में एकमात्र इंटर कॉलेज भी नहीं था जी। जब माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार आई जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने कार्यकाल में नेपाल सिंह शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने प्राथमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने का काम किया, इंटर कॉलेजों को मान्यता देने का काम किया, पूरे पुवाया तहसील में एक भी इंटर कॉलेज सरकार का नहीं। मैं बता रहा हूँ, गाँव परौर की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल अभी तक मैं बता रहा हूँ, वही पे आ रहा हूँ, पूरे तहसील में जितनी रिच तहसील सरकार का एक कॉलेज नहीं, पुवाया राजा साहब का एक पॉइंट कॉलेज था जिससे लोग पढ़ते थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री के सलाहकार शाहजहांपुर में रहते थे जी, और शाहजहांपुर की स्थिति थी जी, परौर जैसे गांव में एक अभी क्या स्थिति बदलेगी, क्या स्टाफ वहां पर आएगा? आप अगर आपके पास टाइम है, आप सुबह चलिए वहां पर, देखिए जो ओटी है ना, वो ऐसा लगता है वहां किसी ने बम फोड़ दिया हो, सारे कमरे गायब हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। आप वहां जाएंगे और वो वीडियो में डालूंगा, आप देखेंगे वहां पर जानवरों की बीट है उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर। क्या कहें, कब तक हालात सुधरेंगे इस गांव के लोगों को? क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं जरूरी नहीं है क्या सर? हमारी सरकार जी स्वास्थ्य के लिए इतना जागरूक है जी, हम 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए जी लोगों को मुफ्त इलाज देने की भी बात करते हैं। और इस स्थिति में आप कह रहे हैं कि वहां की हालत क्यों नहीं सुधरेगी? बिल्कुल सुधरेगी। अगर आपने कहा है कि सुबह आपको ले चलेंगे,
हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे दर्जा राज्य मंत्री सुरेंद्र नाथ जी हमारे साथ में है। इस समय समय 6:30 बज रहा है और परौर गांव में है, यहाँ से शाहजहांपुर 80 किलोमीटर है और अभी मैं यहाँ से वापस नहीं जा रहा हूँ। मुझे मात्र एक महीना हुआ है, 28 नवंबर को मेरी घोषणा हुई थी, मुझे ये दायित्व पार्टी ने दिया था। एक महीने के अंदर पूरे जिले के दूर दूर तक के गांव में मैंने जाने का काम किया है और मैं अभी वापस नहीं जा रहा हूं। इसके बाद भी 2-3 कार्यक्रम मेरे रहेंगे और मंत्री जी हमारे साथ रहेंगे। आपने सुबह जाने की बात की, मैं तो रात में ही चल के हॉस्पिटल देखूंगा और आपने संज्ञान मिलाया, इसके लिए आपका आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीएमओ से बात करूंगा, डीएम साहब से बात करूंगा और ये बिल्कुल सुधरेगा। जहाँ पे गड़बड़ियां हो, मैं चाहता हूँ जिस माध्यम से हमारे पास सूचना आ पाए वो आए, मैं सारा प्रयास करूंगा ठीक कराने का। मिसाद आपको बता दूं, मैं सुरेंद्र नाथ जी मौजूद है, राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त है। सर एक सवाल है, मैं सवाल सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो गाय हमारी धार्मिक आस्था है, आज उस गाय ने तमाम पूरे प्रदेश और आप स्पेशली इस गांव के लोगों को देखें, कल मैं रात में उन तमाम किसानों के साथ रहा हूँ, पूरी रात मैंने उनके साथ रहा हूँ, कम से कम मैं 2 घंटे के करीब उनके किसानों के साथ रहा हूँ। क्या कहेंगे सर, किसान अन्नदाता है और हमेशा ठगा जाता रहा है, सरकार ने भी तमाम वादे किए हैं, आज वो रात में जग रहा है और जो गाय हमारी आस्था बनी हुई कहीं ना कहीं आज वो गाय उनकी फसलों को नष्ट कर रही है। क्या कहेंगे, गौशाला इस गांव में गौशाला फिलहाल नहीं है, तो क्या कहेंगे, क्या गांव ये गांव गाय से निजात पा पाएगा? क्यों नहीं पा पाएगा जी, क्योंकि गौशालाएं बहुत बनवाई गई हैं और भी बनाई जा रही हैं, जितने भी आवारा पशु हैं इनकी व्यवस्था की जा रही है। ये सरकार द्वारा इसके लिए बहुत बड़े टेंडर भी हुए हैं, बड़ी बड़ी गौशालाएं बन रही हैं और आगे चल के जो लोग गाय पालेंगे उनको भी 900 रुपया देने का काम करने जा रही है। तो क्या इस गांव से जो गाय की जो जिस तरीके से समस्या बनी हुई है, पूरा कहर है गांव का और रात को 12 बजे वो तमाम गाय आती है, उनको गाय को कुछ कहता नहीं क्योंकि धार्मिक आस्था भी लोगों की जुड़ी हुई है, हिंदू धर्म के जितने लोग हैं सबको गाय को माता मानते हैं इसलिए उसकी सपोर्ट करते हैं और सब लोगों को। तो अगर जो लोग गाय पालेंगे उनको 30 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेगा और निजात क्यों नहीं मिलेगा? आप अभी आप कह रहे थे कि एकदम कैसे हो संभव हुआ है, लेकिन जरूर होगा, धीरे धीरे करके जरूर होगा। वही मेरा सवाल वही CA NRC पे है, जिस तरीके से अगर देखा जाए पूरे देश में एनालाइज चल रहा है, कांग्रेस अलग अपना थोड़ा सा फ्रंट में आइए सर, कांग्रेस अपना अलग रागल अलाप रही है, वो करिए CA NRC जो है वो देश विरोधी कानून है, कहीं ना कहीं लोगों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, अगर लोगों के पास लैंड के कागज नहीं है तो कहीं ना कहीं वो डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। अगर हम आसाम को देखते हैं, 19 लाख लोगों के पे NRC हुआ था जिसमें से 15 लाख हिंदू थे, फिर उनको कहीं ना कहीं फिर उन लोगों का क्या होगा? और अभी जिस तरीके से पूरा माहौल चल रहा है NRC और CA को लेकर, लोगों का क्या आप लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करेंगे कि NRC CA इस प्रदेश में नहीं होगी? जो लोगों ने गुमराह किया था दूसरे लोगों ने वो 2 दिन में लोगों के समझ में आ गया था, बचा हुआ हम लोग अपने लोगों के बीच हम जा रहे हैं, जो मनुष्य है हम लोगों के हित में है, किसी को देश से बाहर निकालने की इसमें व्यवस्था नहीं है, नागरिकता देने की है ना कि लेने की है। जो दूसरी पार्टियां जो है जो भ्रम फैलाकर उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उनके परिवार की सब पूरी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए बौखलाहट इसलिए वो सब कर रही हैं। सर एक सवाल आपसे मेरा आया है, जिस तरीके से आप अभी स्पीच में जिस तरीके से आप तमाम बातें एजुकेशन को लेकर कर रहे थे कि वेट अ मिनट, आप बातें करते एजुकेशन को लेकर बात करते, सवाल मेरा वही है, JNU जामिया मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तमाम ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर आए दिन कहीं ना कहीं अराजक तत्वों के द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है, बीजेपी ये कहती है, क्या कहते हैं आप? देश के लोगों को एक मैसेज दें ताकि जो छवि है भाजपा की वो स्पष्ट हो सके। आपका सवाल बहुत अच्छा है जी। JNU जामिया जी, यहाँ जो हॉस्टलों में लोग रह रहे हैं जी, बरसों बरस से उन्होंने कब्जा कर रखा, वहां छात्र नहीं कर रहे हैं जी, कोई छात्र नहीं कर रहा, 45 साल की उम्र हो गई अभी वो हॉस्टल में है, 30 रुपए में उनको रूम मिल रहा है महीने में, खाने पीने की सुविधा मिल रही है, तो उसको अड्डा बना लिया है उन्होंने। हमारी सरकार इस तरीके के कामों को बर्दाश्त नहीं करेगी और जिन्होंने 45 साल 40 साल 38 साल के लोग हो गए हैं और पढ़ाई के नाम पर वहाँ छात्रों को नौजवान लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं, कब्जा जमाए बैठे हैं, उन सबको कब्जे से बाहर किया जाएगा और इस तरीके अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये तमाम लोग थे मेरे साथ मौजूद थे, आज इस गांव में मैं हूं और इस गांव से मैं खुद हूं, मेरा जन्म इस गांव में हुआ, सवाल उठाना तो बनता है अपने गांव के लिए। और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, उम्मीद सिर्फ यही है कि योगी सरकार इस गांव की तरफ भी देखेगी और जर्जर हालत में वो हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, सरकारी अस्पताल है और स्कूल है, उनको कहीं ना कहीं जरूर देखा जाएगा। और
कहीं ना कहीं इस गांव के भी अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, तो जरूर आएंगे और सबका साथ भी होगा, सबका विकास भी होगा। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया। थैंक यू सर।